हेलो एवरीवन, आवाज आवाज आ रही है। वॉइस क्लियर आ रही है हमारी। जरा कमेंट करेंगे तेजी से। मोहित हेलो, अंकुर आवाज आ रही है सभी को? वॉइस क्लियर है? ओके, सही है, बिल्कुल। विनय विवेक आवाज आ रही है, बिल्कुल। सो आज अगेन लास्ट 2 डेज में नहीं आ पाया, थोड़ा स्टूडियो दिल्ली में गया हुआ था। आज फिर घर से लाइव हूँ और सैटरडे संडे आप लोगों के लिए मैं जरूर बताना चाहूँगा। अब मैं एक ये लाइव क्लास के साथ, करंट अफेयर्स के साथ, जो भी बच्चे इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स और पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, तो उन सब के लिए भी मैं एक एमसीक्यूज लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द। मोस्ट प्रोबेबली कल से ही मैं स्टार्ट कर पाऊँ। और उनके लिए करंट अफेयर्स, जो ज्योग्राफी और हम लोग देखे जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का रहेगा, तो दोनों पोर्शंस को मिलाकर मैं लेकर आऊँगा। और उम्मीद होगी कि मेरे साथ अनुराग सर भी होंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी और ज्योग्राफी में, और हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ द यूपीएससी एंड सम अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में। ओके, और अनूप वेलकम ब्रो। और बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्चुअली बताया तो कि 2 दिन मैं रेगुलर थोड़ा सा लेट नाइट आ पाया, मतलब 10 बजे तक घर ही पहुंच पाया, इसलिए क्लास नहीं ले पाया, और नहीं तो अदरवाइज मैं क्वेश्चन जरूर लेता। तो जियो के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, यश चौधरी बिल्कुल। और यूपीएससी के साथ साथ में कुछ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को टारगेट करके उनके क्वेश्चंस अलग होंगे, यूपीएससी वाले क्वेश्चंस अलग होंगे, ठीक है? दोनों के सिनेरियो बिल्कुल अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल वेलकम अनूप, अफजल एन परमा भाई भी बिल्कुल आए हुए हैं, धर्मेंद्र वेलकम ब्रो, यश चौधरी, प्रवीण, जितने सारे बच्चे अभी, मोहित, सब लोग जुड़े हुए हैं इधर, विवेक गुप्ता, राजेश शर्मा, सिद्धार्थ, सौर, सुमित, विवेक, सब लोग जुड़े हुए हैं। सो आइए आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के पार्ट को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग जैसा कि देखें आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जो मेरे जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े से मीडियम से मतलब एक लेवल लेकर हम लोग चल रहे हैं। कुछ ही एक दो क्वेश्चन होंगे जो 25 क्वेश्चन है, मैं बड़े ही इजी क्वेश्चन डालने की कोशिश करता हूँ। बाकी मेरी कोशिश है कि एक मीडियम, कम से कम अगर आप CDS, NDA, CAPA, स्टेट PCS, NTPC, बैंकिंग को भी अगर टारगेट करते हैं, तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाए जाए जिनसे कि आप आगे अपने अपकमिंग एग्जाम से फायदा उठा सके। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन के लिए आप रेडी हैं? बिल्कुल, पहला क्वेश्चन आपके सामने, झारखंड बैंड द मैन्युफैक्चर सेल एंड स्टोरेज ऑफ 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला फॉर अ ईयर टू कर विच हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट इन देम। ये आपके सामने राजेश शर्मा जी लेकर आवाज आ रही है, बिल्कुल भाई, सब बच्चे इन चीजों को बड़े ही ध्यान से रखते हैं। सो आइए इसकी जानकारी बताएंगे एनियाओं की, इसके क्या आंसर होगा। अफजल भाई, मैं कल ही नहीं परसों भी नहीं आ पाया था अफजल, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के लिए अगर ध्यान दें कि मैं और भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि कल सैटरडे संडे मैं घर पे ही हूँ, ऐसे तो घर पे ही रहना होता है, 1-2 दिन के लिए मैं दिल्ली गया इसलिए क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि आपके सारे के सारे, मैं बताऊँ तो स्लाइड्स लेके सब कुछ मैं खुद डिजाइन करता हूँ। अभी कोई भी पर्सन यहाँ पे है नहीं, तो मैं खुद ही डिजाइन करता हूँ सारे स्लाइड्स को भी, और क्वेश्चन सेलेक्ट करना कि कौन से क्वेश्चंस आपको करवाए जाए जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल साबित हो सके। तो पहला क्वेश्चन का जवाब विवेक गुप्ता ने सबसे पहले बताया है, ए। क्या लग रहा है विवेक? मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये थोड़ा सा टफ है, मैं चाहूंगा कि इसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग मूव करें। ऐसे धर्मेंद्र ने भी जवाब दिया है और इन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है दोनों लोगों ने। सो आते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, दैट मीन्स कि जितने जैसे धर्मेंद्र है, विवेक है, तो दोनों बच्चा अगर हम लोग देखें तो आप सब ने इन चीजों को बारीकी से कवर किया हुआ, तभी आप इसके मैग्नीशियम कार्बोनेट का जवाब भी दे पाए। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, हो सकता है कि अगली बार स्टेट पूछा जाए और ये चीज दिया कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को बैन किया गया पान मसाला में इस तरह से, तो
तो आपको झारखंड भी ध्यान में रखने की जरूरत है। 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला में 1 साल के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया हो, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। और देन देखिए द केमिकल इज सार्किनोजेनिक एंड हार्मफुल टू द हार्ट। ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। एंड बैन फॉर यूजेज एज फॉर द फूड सेफ्टी एक्ट 2006 रेगुलेशंस। अर्लियर महाराष्ट्र एंड बिहार ऑल्सो हैड इम्पोज्ड बैन ऑन पान मसाला। अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे लीकर वगैरह सब कुछ बंद करवा दिया नीतीश जी की सरकार ने। और अब की बार देखते हैं किनकी सरकार आती है, और बाकी तो आप लोग जिताने के लिए है ही। सो आइए देखते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट बिल्कुल सही जवाब दिया था एन वर्मा ने भी, जैसे सुमित गुप्ता ने भी जवाब दिया था। मेरी जो अभी क्लास है आपको एग्जामिकल के प्लेटफॉर्म पर भी लाइव चल रही है और नर्चरिंग यंग माइंड से भी लाइव चल रही है। मैंने जैसा बताया कि एग्जाम ईगल का जो प्लेटफॉर्म अपना है, यहाँ पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम लोग लेकर चल रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे यूपीएससी के बैच भी अवेलेबल है, जीएस स्पेशल में बैच अवेलेबल है, ज्योग्राफी स्पेशल के बैच अवेलेबल है। सो आप वहाँ से अगर किसी को भी परचेज करना है कर भी सकते हैं। देन अगर हम लोग देखें तो अभी एक यूपीएसआई का बैच भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, उसकी प्रमोशन के लिए मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मेरे से मुलाकात लाइव आप लोग के एग्जाम ईगल के प्लेटफॉर्म पर होगी। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जरा मूव करते हैं तेजी से। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020 ऑब्जर्व्ड ऑन मई 9, ये बताएंगे जरा तेजी से। धर्मेंद्र ठाकरे जी बताइए जरा सा क्या इसका जवाब रहेगा। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो इसका जवाब जरा बताना है कि ये लव द बर्ड्स, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, बर्ड्स ट्रांसेंड द ग्लोब एंड बर्ड्स आर प्रेशियस। थोड़े से क्वेश्चंस क्लिष्ट है, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे हो सकता है कि आपके रूबरू में ना हो, लेकिन आपकी जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि जो सोच मेरी है कि जहां तक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको कराना। जनरल वे में तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन तो हर जगह हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रहे, आप वहां से कंप्लीट कर ही रहे। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आऊं जो आपके लिए फ्रूटफुल हो सके। ओके, तो अफजल ने जवाब दिया है बी, धर्मेंद्र ने भी बी, विवेक गुप्ता ने भी दिया है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, और ये रहा आपके सामने आंसर। बिल्कुल सही जवाब आप सब लोगों ने दिया है। ओके, सो द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मई 9 एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे विश्व में हम लोग देखते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड जो कि जो पक्षी जो होते हैं जैसे माइग्रेट करके, जैसे साइबेरियन क्रेन आपको इंडिया पहुंच जाते हैं, तो वो आपको दिखाया गया। द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज 2020 इज बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ये आपको ध्यान में है। द डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इन द ग्लोबल इकोसिस्टम। ये ध्यान रखिएगा, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में। और आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन से बर्ड सेंचुरी में कौन से बर्ड्स आ रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। बर्ड सेंचुरी से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत जल्द उन सारे क्वेश्चंस को लेकर मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल हो रहा हूं, तो जुड़े रहिएगा हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड यूएस डॉलर में देखेंगे $6.7 बिलियन ग्लोबल अपील टू फाइट द COVID-19 पैंडेमिक एज अ पार्ट ऑफ इट्स अपडेटेड रेस्पॉन्स प्लान टू हेल्प फ्रेजाइल नेशंस। ऐसे राष्ट्र जिनमें स्थिति बहुत ही खराब है उनको ध्यान में रखते हुए डोनेशन के रूप में जो लॉन्च किया गया एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये अपील किया था, ग्लोबल अपील था, ध्यान देंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया था अनूप ने भी, अफजल ने भी, और इधर सुमित ने तो पहले ही जवाब दिया था सही, बाकी जवाब भी देना है भाई। विवेक गुप्ता ने नाम दिया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या लग रहा है विवेक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा ये? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक देख रहे, इस तरह के काम नहीं करेगा भाई, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा चीजों को दिमाग से सोचना है कि पूरे नेशंस के लिए, यहां पर हमने एशिया की भी बात नहीं किया है, फुल नेशन की बात किया। आप दिमाग लगाइए, अफजल अनूप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आप ही को बनाना है, तो आपके दिमाग से निकाला जाए कि क्या हो सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या इस पर वर्क करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक करेगा, या यूनाइटेड नेशंस करेंगे? अफजल को अभी भी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है आइए अब इसके आंसर पे आ रहे, यूनाइटेड नेशंस है अफजल, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फ्रेजाइल नेशंस, यहाँ पे हमने एशिया की बात तो किया नहीं, अगर वो अफ्रीकन कंट्री है देन व्हाट?
सो थिंक टू गिव आंसर, देने से पहले आप एक बार जरूर सोचिए, इवन थिंक ट्वाइस टू गिव द आंसर। तो ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। उम्मीद है आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी। और रामप्रसाद मीना जी ने जवाब दिया है सी, और इनके जवाब बिल्कुल सही गए हैं। राजेश शर्मा जी के जवाब गलत हो गए हैं। सो द यूनाइटेड नेशंस अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर एजेंसी हैज लॉन्च द 6.7 बिलियन डॉलर का, US डॉलर का ग्लोबल अपील किया गया था यूएन के द्वारा में, कि जितने भी राष्ट्र जो कि बहुत बुरी स्थिति में है इस पैंडेमिक को लेकर। देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में, द प्लान इंक्लूड्स 9 मोर वल्नरेबल कंट्रीज इंक्लूडिंग द फिलीपींस। फिलीपींस के स्पेलिंग ध्यान रखिए, मैंने हमेशा क्लास में आपको मार्क करवाया था। टोगो एंड जिम्बाब्वे बियॉन्ड द 54 कंट्रीज कवर्ड इन द ओरिजिनल अपील द कोविड-19 ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स प्लान। ध्यान रखिएगा कुछ चीजों को, जो भी आपको हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है, इनसे भी क्वेश्चंस बनेंगे। सो माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगर अनूप ने जैसे लिखा कि करंट अफेयर्स सेल्फ स्टडी का कोई सोर्स बता दीजिए, बिल्कुल अनूप। देखो एक्चुअली क्या है, मार्केट में बुक्स तो अवेलेबल, अभी के टाइम में क्या है कि आप पीडीएफ वाले सोर्स पर ही डिपेंड्स हो सकते हैं, नेट पर डिपेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि बुक शॉप पे भी बहुत सारी जगहों पे आप नहीं जा पा रहे या फिर अवेलेबल ना हो, तो उस चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, वॉइस क्लियर बिल्कुल अफजल। आते हैं पॉइंट पर। द फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। द फर्स्ट हाई लेवल फॉरेन डिग्निटरी टू ट्रेवल टू इंडिया आफ्टर कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस, ये जो भारत सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसके बाद किस कंट्री के स्पेशल एनवे को भारत आना होता है, और कौन आए थे भारत में, किस देश के। सो ये जालमे खलीलजाद नाम के खलीलजाद एक पर्सन थे, वो किस देश से आए थे, अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान और ईरान से, भारत में आने वाले पहले व्यक्ति। फॉरेन डिग्नेटरी ध्यान रखिएगा, हाई लेवल मीटिंग जो हुई जिनके साथ। बेहतरीन क्वेश्चंस है, थोड़े जवाब में आप इशू हो सकती है आपके साथ में, क्योंकि अगर आपने बेहतरीन तैयारी किया है तभी आप इनके जवाब दे पाएंगे, लेकिन आपको इसके पीडीएफ में अवेलेबल करवा रहा हूँ, रट के रखिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव पर, ये नहीं कि मैं बहुत इजी क्वेश्चंस ले आया हूँ, सबके जवाब आपको पता है, आपकी जानकारी के लिए आपके। ऐसे अगर कोई बच्चा कम पढ़ रखा है तो वो यहाँ से भी पढ़ सकता है, ये मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए। करण सिंह ने जवाब दिया है सी, रामप्रसाद मीना जी ने जवाब दिया है सी, अवधेश मौर्य गुड इवनिंग ब्रो। सो इधर से विवेक गुप्ता ने जवाब दिया है ए, धर्मेंद्र के भी जवाब ए, एन वर्मा अफगानिस्तान, क्या लगता है पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है करण सिंह भाई। आइए इसके जवाब हम लोग देखते हैं, दैट्स द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। ध्यान रखिए यूएस से है, ठीक है, जो आए थे और उन्होंने एक्सटर्नल अपने अफेयर्स मिनिस्टर जो है एस जयशंकर उनके साथ, और अजीत डोभाल जी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनके साथ उनकी मीटिंग होती है, ठीक है। सो यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल इनवॉय एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान रिकॉन्सिलिएशन जालमे खलीलजाद रिसेंटली विजिटेड इंडिया एज अ पार्ट ऑफ हिज 3 नेशन टूर इंक्लूडिंग कतर एंड पाकिस्तान। कतर पाकिस्तान वो बाद में जाते हैं, पहले तो उनकी जो टूर हो रही है अपने देश में भी हुई है, तो इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पे कोविड-19 के रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उसके बाद, ठीक है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये सारे के आपको पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, आपको एग्जाम ईगल के अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा, साथ में नर्चरिंग यंग माइंड जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपके सामने में है, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज प्लेस्ड 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट प्रिटेनिंग टू विच इशूज, किस इशू के संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को इन 10 देशों के साथ वॉच लिस्ट में रखा हुई प्रायोरिटी बेसिस पर। जरा सा ध्यान देंगे, क्या ये न्यूक्लियर वारफेयर है, करेंसी मैनिपुलेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क है, या फिर ट्रेड सैंक्शन है। ये क्वेश्चन आपके बैंकिंग के संदर्भ में भी है, कुछ आज जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चन आपको बैंकिंग के संदर्भ में भी आपके सामने में आएंगे, और लास्ट 2 क्लासेज जो मैंने करंट लिया था उसमें भी कई ऐसे क्वेश्चन है जो एनटीपीसी बैंकिंग सब में आपके काम में आ सकते हैं। नो इशू ब्रो करण, ये तो चलता रहता है, आप सीखते हैं इसी चीजों से। मेन चीज यही है कि जब कुछ आप अच्छा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा समय देना होता है, इजी चीजें तो सब कर सकते हो, तो हजारों की संख्या में लोग लगे होते ए बी सी ए बी सी ए बी सी, चलता रहता हूँ मैं भी, देखता रहता हूँ, वो इतने इजी क्वेश्चंस के साथ में कोई फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आने ही नहीं,
बहुत ज्यादा, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस को कीजिए, बाकी तो आप वहां से कर ही रहे, आप कहीं से भी ऑनलाइन अवेलेबल है आपको, आप बिल्कुल वहां से कर सकते हैं। ठीक है दीपक कुमार, अरे मुझे तो काफी लंबा समय हो गया दीपक, वहां पे अब मैं क्लास कहाँ लेता हूँ। ठीक है जवाब दिया है बी। ठीक, क्वेश्चंस अच्छे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान, बिल्कुल सही जवाब दिया है इस बार करण जी के जवाब बिल्कुल सही है, रवि नागर के जवाब भी सही है, धर्मेंद्र के आइडियाज नहीं मिले, मगर धर्मेंद्र आपको एमपीपीएससी का एग्जाम भी देना है, आगे यूपीएससी भी देना है, आपकी सोच थोड़ा सा और डेवलप करनी, मैं इसलिए इन क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ कि आपकी सोच समझ में तो आए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू आर नॉट हियर टू सॉल्व द सम इजी क्वेश्चंस एंड यू आर जस्ट गिविंग द आंसर्स, नो ऐसा नहीं चलेगा, कुछ चीजों को हम लोग बेहतर जानते हैं। आइए देखते हैं, इट्स ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो होती है आईपी, अगर आप सब लोग आगे जब पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ में भी आपको आईपी पढ़ना है। ठीक है, जैसे कई जो चीजें होती है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, कॉपी मार्क होता है, हाँ बहुत सारी चीजें आपको, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, नाम सुने वीपो, WIPO वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, आपको इन सब के बारे में रीड करने की जरूरत है। ठीक है, यह है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क। कई बार होता है ना जैसे कि हमारा कोई पेटेंट यूएस में करवा लिया, कई बार चीजें हो जाती है इस तरह से, और भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अपने साथ में होती हैं, इस पर अलग से आप इकोनॉमी में इसकी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग आ रहे हैं, विच सिटी वाज नेम्ड एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2020, ये बड़ा ही इजी है, उम्मीद है कि ये आप आराम से जवाब दे सकते हैं, हर दो तीन पे एक इजी क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूँ ताकि आप इसके जवाब भी इजी वे में दे सके। ज्योग्राफी आशुतोष, कल मैं क्लास लूंगा जियो की, आप बिल्कुल अवेलेबल होंगे उस क्लास में डेफिनेटली। दीपक कुमार जी धन्यवाद आपका, और मेरी कोशिश है कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी ज्योग्राफी सब के क्वेश्चंस को लेकर आऊं। ओके अलावत भाई ने बी जवाब दिया है, बीजिंग। ओके अनूप, अनूप वेरी नाइस ब्रो, अनूप ने जवाब दिया है कुआलालंपुर, वेरी गुड, विवेक के भी जवाब सही आए हैं बी, नहीं सॉरी विवेक ने जवाब दिया है बी, बीजिंग। व्हाट यू थिंक विवेक, इज इट बीजिंग और कुआलालंपुर? अब मैं ऑप्शन आपको 50-50 कर देता हूँ, बी और सी में से कौन होगा बताइए जरा तेजी से। रवि नागर ने बढ़िया जवाब दे दिया है, बी और सी में से चुन लिया है कुआलालंपुर, बहुत बढ़िया जवाब रवि। आइए जरा इसके एग्जाम आंसर पे आते हैं, एक्सप्लेनेशन पर। कुआलालंपुर, द कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया वाज नेम्ड एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2020, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये कोई भी एग्जाम हो अपकमिंग आपको इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है इस साल के लिए, 2020 के लिए, इस बार उनको वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया हुआ, किसके द्वारा घोषित किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड बुक कैपिटल किसके द्वारा रिकॉग्नाइज सेलिब्रेटेड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और घोषित किया जाता है, तो ये है यूनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ध्यान रखिएगा PMBJK, ये आपको फुल फॉर्म भी इससे रिलेटेड पूछा जा सकता हैज स्टार्टेड टू एक्सेप्ट ऑर्डर्स फॉर मेडिसिन ऑन व्हाट्सएप, ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन मैं ऐसे व्हाट्सएप बनाने वाला हूँ, अभी चुन चुन कर वो क्वेश्चंस आपको लाया हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अगर आप बैंकिंग का एग्जाम भी देने वाले हैं आप किसी को भी बता सकते हैं कि जो क्वेश्चंस के लेवल मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो बेहतरीन क्वेश्चंस है, अगर मैं 25 क्वेश्चन भी करा रहा हूँ तो उम्मीद होगी कि उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में फंस जाए। सो PMBJ के फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री, ये मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें मिनिस्ट्रीज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, तो क्या लगता है यहां पर जन औषधि की बात की गई है, दिमाग लगाइएगा सभी लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, कि क्या ये एमएसएमई होगा, एमएसएमई जन औषधि ना, मैं आइडिया दे रहा हूं, आइडिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वाई क्यों? ठीक, अब दो बज रहे हैं 50-50, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नाउ अब बताइए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दीपक कुमार ने दिया है एग्जाम ईगल के प्लेटफॉर्म से, और इधर विवेक ने दिया है डी, अनूप ने दिया है डी। ठीक है,
बिल्कुल अलावत भाई, आप अगर हरियाणा सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर आपके पास में होंगे। अनूप को लग रहा है हेल्थ, बट अभी तक एग्जाम ईगल के प्लेटफॉर्म से करण जी रवि जी के जवाब बिल्कुल सही आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ध्यान रखिएगा कि औषधि जो आखिर बन रही है वो ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, बट वो है किस मंत्रालय के अंदर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो सी आंसर है इसका, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र विच फंक्शंस अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द ऑर्डर्स फॉर मेडिसिन ऑन व्हाट्सएप एंड ईमेल। बेहतरीन क्वेश्चन है, माइंड में फिट करके रखिएगा, रिलेट कीजिए दवा केमिकल कंपोजिशन और ये आ गया केमिकल्स के साथ, ऐसे याद करके रखिएगा, बिल्कुल आपको ध्यान में रहेगा। धर्मेंद्र, ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं है भाई, ये केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। ओके आइए नेक्स्ट। एज पर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स में ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर सार्फेसी एक्ट। ध्यान रखिएगा SARFAESI एक्ट, ये नया एक्ट है जो जिसमें नए आपको बैंक को भी लाया गया है कैटेगरी वाइज। तो वो कौन से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सामुदायिक बैंक जो कॉपरेटिव बैंक्स होते हैं वो है, छोटे स्तर के जो वित्त बैंक होते हैं वो है, लोकल एरिया के बैंक है, कौन से बैंक है? नरेश पंचाल ने जवाब दिया है डी, लोकल एरियाज बैंक, या फिर नरेश जी ने शायद इससे पहले वाला का आंसर दिया होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही था, दीपक कुमार। विवेक गुप्ता को भी नो आइडिया। देखिए मैं जो आया हूं इसी चीज के लिए आया हूं कि वो उन क्वेश्चंस के साथ आप चीजों को जान भी सके। मान लिया मैं बड़ा इजी क्वेश्चंस करवा दूं, सब लोग ABCD ABCD किए जा रहे हो, बड़ा खुश हो रहे हो, लेकिन उस खुशी के पीछे जो क्वेश्चंस अच्छे आएंगे और फिर आप सर खुजलाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चंस को पहले आपको जानना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को जानना। ठीक है, अफजल ने जवाब दिया स्मॉल फाइनेंस बैंक, करण के जवाब सी है, नरेश के जवाब डी है, नरेश ने दोनों जवाब दे दिए भाई नरेश। अलावत भाई के जवाब है ए। वाई एनी वन इज नॉट नॉट थिंकिंग अबाउट द कॉपरेटिव बैंक्स और सम व्हाट यू थिंक? आइए आंसर देखते हैं इसका कौन सा है। इट्स अ कॉपरेटिव बैंक, नॉट इट्स अ रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक भी नहीं है, लोकल बैंक भी नहीं है। ठीक, इसमें इसमें चीजें क्या थी, जैसा कि आप इसमें अगर देखेंगे, देखिए मैं पॉइंट, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई पर्सन्स होते हैं उन्होंने ऋण लिया बट वो ऋण नहीं दे पा रहे, बोरोवर्स फेल टू रिपे देयर लोन्स, लोन ले रखा है मगर नहीं कर पा रहा, तो बैंक क्या करती है उसकी संपत्ति को जब्त कर लेती है, उसका ऑक्शंस करवा देती है, नीलामी करवा देती है। तो ऐसे में अब ये इसमें किसको और शामिल किया गया है, कॉपरेटिव बैंक को भी शामिल कर लिया गया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सार्फेसी एक्ट 2002, अगर आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये ध्यान में रखना। और इसमें रिसेंटली अभी हम लोगों ने किसको देखा, कॉपरेटिव बैंक को इसमें शामिल किया गया हुआ है। ठीक है, तो इस एक्ट में कौन सा बैंक अभी आया है, कॉपरेटिव बैंक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और किस संदर्भ में है ये एक्ट, तो ये एक्ट ऐसा है जिससे किसी ने लोन बोरो किया और वो नहीं चुका पाया तो संपत्ति बैंक उसका जब्त करके नीलाम भी कर सकती है अपने पैसे को निकालने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रॉबर्ट बाप्टिस्टे हु वाज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये वो व्यक्ति है जिनके रिपोर्ट के आधार पर आपके देश में जो व्यक्ति है, नाम ये है ना, नाम तो सुना ही होगा, ये है ना राहुल, नाम तो सुना ही होगा। तो राहुल भाई, राहुल गांधी ने उनके रिपोर्ट को आधार बनाकर एक एप्लीकेशंस पर गवर्नमेंट के द्वारा जो कोरोना का जो एक ऐप बनाया गया उसके खिलाफ जो कार्रवाई वो कर रहे थे वो इन्हीं व्यक्ति विशेष के रिसर्च थे। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको किसी भी एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो अगर आपके जनरल बुक्स में ना भी हो तब भी आपको ध्यान में रखना। अच्छा करण सिंह बहुत बढ़िया भाई, इसका क्या लगता है आंसर? करण, रवि, नरेश, रोशन भाई भी आए हुए हैं अपने, अनूप,
जरा इसका 23 आंसर बताएंगे, क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान से बताइएगा किस चीज में आएगा आखिर। हो रहा था ना कि ये हैक हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, किसी का डाटा हो जाएगा, मिसप्लेस हो जाएगा, वायरोलॉजी लग रहा है। अनु नहीं समझे, कोरोना के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप लागू लाया है, जरा ये बताइए अनु। अभिषेक बंटी भाई ने जवाब दिया है बी, वायरोलॉजी। रवि नागर का जवाब आया है सी, रवि नागर थोड़ा सही जा रहे हैं। अब जवाब इधर से एन वर्मा, चंदन प्रकाश दोनों के सही आ रहे हैं। धर्मेंद्र आपके जवाब गलत है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च, आरोग्य सेतु ऐप का नाम आपने जरूर सुना होगा। आप सबके मोबाइल में अगर आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, कई जगहों पर उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा, आपको डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट की एडवाइजरी का ये नोटिस है कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। और इसी ऐप को लेकर इनकी रिपोर्ट आई थी कि ये हैक हो जाएगा, आपका डाटा हैक कर लेगी आपको सरकार, और ये और वो। और पीछे राहुल गांधी ने 50 गो तर्क बेमतलब का दिया, जबकि दिमाग तो उसको ऐसे भी नहीं है, वो तो आपको पता ही है कि विशिष्ट प्रजाति है वो, आखिर चल किसके तरफ से रहा है। ठीक है, तो ये चीज को लेकर ये लाया गया था, और इस व्यक्ति का नाम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन डेफिनेटली किसी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। मीर काट विच हैज कैप्चर्ड हाई क्वालिटी इमेजिंग ऑफ अ पीकेएस 2014-55 गैलेक्सी इज अ सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। जनरल वे में आप नासा, यूके, रसिया, चाइना, इन सबके सैटेलाइट के नाम बड़े इजी वे में ध्यान करके रख लेते हैं, मगर कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं उन देश के सैटेलाइट से जो कि हाईलाइट होते हैं और जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये है वो क्वेश्चन मीर का, क्या ये साउथ कोरिया है, सही है साउथ अफ्रीका है, इजराइल है, यूनाइटेड स्टेट्स है। थोड़ा सा टफ होगा क्वेश्चन, मगर इस क्वेश्चंस के आप पीडीएफ को लेकर टेलीग्राम से रट के रखिएगा, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। क्या लग रहा है अलावत जी, क्या होगा इसका आंसर? इसराइल लग रहा है धर्मेंद्र को। ओके ठीक है, ठीक है, रवि नगर भाई को भी लग रहा है, इनको भी इसराइल लग रहा है, सब लोग इसराइल के साथ जाना चाह रहे हो, मगर मैंने बोला कि कुछ ऐसे देश होते, इसराइल का तब भी आप जान लेते हो, लेकिन ये आपके सामने में है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीकन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है ये, सराउ यूजिंग द हाई क्वालिटी इमेजिंग ऑफ ए गैलेक्सी कॉल्ड पीकेएस 2014-55 सेंट बाय द साउथ अफ्रीकन सैटेलाइट मीर कैट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछ लिए जाते हैं। यूनिक क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, और मेरी कोशिश है कि उन, क्योंकि मेरे पास टाइम कम ही है, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ चल रहा हूँ, 25 क्वेश्चंस ही कराता हूँ, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको उम्मीद करता हूँ मैं करा के जाऊँ। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान में रखें, इनके पीडीएफ मुझसे लेकर जरूर रख ले अपने पास में। द यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच पावर फर्म ऑफ इंडिया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड्स। ध्यान रखिएगा, एयरफील्ड्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए, उनके अवसंरचना के विकास के लिए भारत की आपकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने किस पावर फर्म के साथ में करार किया है? आज के डेट में आप सबको पता है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा डोनेशन किस कंपनी ने दिया है भारत सरकार को? क्लू दिया है आपको मैंने, क्लू दिया है, ध्यान रखिए, कौन सी ऐसी भारत की कंपनी है, स्वदेशी कंपनी, जिसने सबसे ज्यादा डोनेशन पीएम केयर्स फंड में दिया? गौरव, एक्चुअली मेरे लैपटॉप में हिंदी के कुछ फॉन्ट्स मिसिंग, अदरवाइज मैं इसके हिंदी भी आपको अवेलेबल करवा देता, लेकिन बहुत जल्द मैं करवा दूंगा, थोड़ा सा अभी सब्र रखे और जुड़े रहे हमारे साथ में। और इधर से अलावत जी के जवाब आ चुके हैं, टाटा पावर, बिल्कुल सही गए अलावत, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र, सब लोगों के, विवेक, अनूप, सबके जवाब आने शुरू हो गए, देख लीजिए टाटा, और ये ऐसे ही आपको ध्यान में रहेगा, अब आप कभी नहीं भूलेंगे।
एयरफील्ड्स के मॉडर्नाइजेशन में भी भारत सरकार की जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने टाटा पावर को ये काम दे रखा है। अलावत ने बहुत ही बेहतरीन जवाब इसके बारे में दे भी रखे। आते हैं पॉइंट पर, द यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद मुंबई बेस्ड पावर कंपनी टाटा पावर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन। ये चीजों को ध्यान रखिए, कई सारे और भी पॉइंट है इसमें। द एयरफील्ड्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड एंड द नेवी आर टू बी मॉडर्नाइज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड ₹1,200 करोड़। दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कुछ चीजें आपको और यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने साथ में यहाँ पर है, चंदन प्रकाश जी के जवाब भी बिल्कुल सही गए थे, अभिषेक बंटी जी, नरेश पंचाल, रवि, गौरव सबके जवाब, करण सिंह बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सब लोगों ने बी। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब जरा देखते हैं। द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR, फुल फॉर्म ये ध्यान रखना है, अनाउंस्ड अ रिसर्च कोलैबोरेशन विद विच कंपनी टू डेवलप अ वैक्सीन फॉर COVID-19। भारत की जो संस्था है, रिसर्च एजेंसी जो हम लोग देखे ICMR, जो इन सब चीजों पे रिसर्च करती है, उसने किस कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन किया है टू डेवलप अ वैक्सीन फॉर COVID-19। कई सारे जगहों पर COVID-19 के वैक्सीन को इजाद करने की कोशिश की जा रही है, ये क्वेश्चन भी आपके ध्यान में होना चाहिए। ठीक है अनूप ने इसलिए बोला कि सर इसलिए सिर्फ टाटा साल्ट परचेस करते हैं। ओके हैदराबाद बेस्ड बेसिस, ओके बेसिस, हाँ वही मैं कहूँ बेस्ड नहीं बेसिस, बिल्कुल। के एम पूनम जी के जवाब आए हैं बी। ये नए वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 के लिए मैडम, डू यू थिंक द बायोकॉन, करण ने जवाब दिया है ए, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। क्वेश्चन थोड़े से बेहतरीन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही जब एग्जाम में आते हैं तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बायकॉन लिमिटेड लग रहा है अनूप को भी। गौरव सही जा रहे हैं, गौरव इधर से आप, गौरव, करण बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, रवि नागर आपने सही जवाब दिया। आइए सवाल के जवाब पर चलते हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ICMR रिसेंटली अनाउंस अ रिसर्च कोलेबोरेशन विद हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड टू डेवलप अ COVID-19 वैक्सीन। एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, सेकेंड पैराग्राफ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है, पुणे, ये भी आपको लिख कर रख लेना, या फिर इस PDF को डाउनलोड करके अपने पास में आप जरूर रखिएगा, दो चार बार रीड करके रखेंगे आपको सब याद हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एक पॉइंट एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया जवाब सभी लोगों ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच स्टेट हैज कमेंस्ड ट्रेनिंग फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स वाया इट्स काइट विक्टर्स चैनल। स्पेशल क्वेश्चन फॉर यू ऑल, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने में, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ, और अच्छे क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस लाने की कोशिश मेरी हो रही है, जिनसे कि आप आगे अगर आपके एग्जाम में फायदा आपको हो सके। सो व्हाट यू थिंक अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विवेक, धर्मेंद्र, अहलावत भाई ने जवाब दिया है केरला, और सबसे पहला सही जवाब अहलावत के ही आए हैं, बहुत बढ़िया जवाब दिया अहलावत, और वेरी नाइस। अगर इस तरह से आप मेहनत करते रहे, आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हरियाणा में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं होते, ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आइए इसके आंसर में देखते हैं। आंसर है बी, केरला। द स्टेट ऑफ केरला हैज कमेंस ट्रेनिंग फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स वाया इट्स काइट वेक्टर्स चैनल। मिनिस्टर ऑफ जनरल एजुकेशन, चीफ ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑफ इवन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP एट दिस इनॉग्रल क्लासेस। सो काफी सारी चीजें यहाँ पे आप चीजों को जान रहे हैं, और भी डिटेल्स में आप इसको एक दो बार रीड करके जरूर रखिएगा। ठीक, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर्स बोथ। अब जैसे आप जाएंगे UPSC लेवल पर, तो वहां पर देगा आपको सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए, या फिर प्राइमरी अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो वो भी चीजें आपको ध्यान में रखने की यहाँ पर जरूरत है। ये ऑनलाइन वर्चुअल फैसिलिटीज ट्रेनिंग देने के लिए दिया गया कि कैसे बच्चों को वर्चुअली ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हैं, उसके लिए लाया गया था बेसिकली। बहुत बढ़िया जवाब दिया है करण ने भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन आएगा होप, फुल फॉर्म बताइए होप का, ये वो होप नहीं है जो आप सोच रहे हैं, दिस वन इज द हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवे।
पोर्टल है ये, पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ ईस्ट इंडियन स्टेट। आपको आ सकता है होप क्या है, एक पॉलिसी है, पोर्टल है, ऐप है, क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। क्वेश्चंस बनाने सीखने होंगे आपको, क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना होगा। सो जवाब देंगे जरा तेजी से इसका। व्हाट डू थिंक, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इशू किया है होप, हेल्पिंग आवर पीपल एवरीवेयर? पूनम जी के जवाब आए हैं बी, उत्तराखंड। बहुत बढ़िया। विवेक गुप्ता के भी जवाब है बी, बेहतरीन जा रहे हैं सभी लोग। इधर से करण जी के जवाब भी बी आए हैं, बहुत बेहतरीन, आप सब लोगों ने इसका जवाब दिया। आंसर पे आते हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ पोर्टल नेम्ड होप टू असिस्ट द वर्कर्स ऑफ द स्टेट टू फाइंड सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। होप किस संदर्भ में, ऐसे याद, होप जो वर्कर्स वहां पर बेरोजगार हुए उनको होप दिया गया कि हम आपको आपके ही राज्य में सुटेबल रोजगार उपलब्ध कराएं। जो माइग्रेंट वर्कर्स तो दूसरे दूसरे राज्यों से उत्तराखंड लौटे, उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने ये चीजें लाई है। लास्ट सेंटेंस में आइएगा जरा सा, द डाटा कलेक्टेड विल बी यूज फॉर इंप्लीमेंटिंग द मुख्यमंत्री स्वराज स्वरोजगार योजना, इंप्लीमेंट द स्टेट, इसमें भी उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखेंगे। अनूप, ये ओडिशा नहीं है, इट इज अ उत्तराखंड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सामर्थ, व्हाट इज सामर्थ? इट इज अ ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय विच इंडियन मिनिस्ट्री। थोड़ा सा ध्यान दिए, अगर आप सामर्थ को समझ गए तो आप इसके मिनिस्ट्री पकड़ लेंगे। यूपीएससी में एक क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आता ही आता है। ये मैं जो बोल रहा हूँ समझिएगा मेरी चीजों को, हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस इसी चीज में के पाया है कि भाई कैसे क्वेश्चन आएगा, कहां से क्वेश्चन उठाएगा, वो पकड़ लो, बस काम हो जाएगा। ठीक, गौरव जी ने लिखा है सर, बायो की मैम अवेलेबल होंगी आपको नेक्स्ट मंथ में, तो अभी क्लास उनकी थोड़ी सी नहीं हो पाएगी गौरव, वो नेक्स्ट मंथ से ही क्लास ले पाएंगे, मैम थोड़ी बाहर गई हैं। अलावत भाई ने जवाब दिया है डी, विवेक गुप्ता के पॉइंट आए हैं सी, और इधर से अभिषेक और गौरव ने जवाब दिए है बी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। बिल्कुल सही जवाब है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, जो HRD आप लोग देखते हैं, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट हैज डेवलप एन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म सामर्थ। अब इस सामर्थ क्या है जरा इसको भी समझ लेते हैं। इट इज एन ओपन सोर्स ऑटोमेशन इंजन फॉर यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ध्यान रखिए। इट हैज बीन लॉन्च्ड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड सामर्थ है, ध्यान रखना है आपको, जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को उसमें जो एजुकेशन है उनसे रिलेटेड आपको एक इंजन बनाया गया होगा, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, ठीक है। मी गुड ब्रो सचिन, होप यू ऑल आर बेस्ट। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। शब्दों की बारीकी, टर्मोलॉजी को पकड़ के रखिएगा कि क्या है सामर्थ है, तो चलो किस में सामर्थ है, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे कि चलो ठीक है यूनिवर्सिटी से जोड़ते हैं, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उन सबके लिए इंजन बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, ठीक है, ऐसे में ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 16 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके किसी भी आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि ये आप सब लोग को पता है कि भारत सरकार ने टिकटॉक पे जैसे बैन लगाया, तो ये ठीक है, मैंने जैसे थोड़ा सा क्लू ही दिया है। सो केविन मेयर हु हैज रिसेंटली सीन इन न्यूज हैज बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच पॉपुलर प्लेटफॉर्म, बताइए जरा इसका क्या हो सकता है इसका जवाब। इसका जवाब क्या होगा, हिंदी में बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूं दीपक, आप बिल्कुल ही परेशान ना हो, ठीक है। अलावत भाई ने जवाब दिया है ए, आपका टिकटॉक ही मस्त था धर्मेंद्र, बिल्कुल कोशिश किया था मैं, और आप सब लोग को बताऊं तो 2002-03 की बात है, मैं 1-1.5 साल मुंबई में भी रहा था। आई वेंट देयर फॉर मॉडलिंग असाइनमेंट्स, मैं वहाँ कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लिए गया था, वो दौर था कभी हमारा, उम्र 22 साल की थी मेरी,
और जबरदस्त वहां पे मैं गया था असाइनमेंट्स के लिए, मॉडलिंग के लिए। मैं मॉडलिंग मतलब जो होता है ना कि रैंप शो वगैरह मैं करता भी था वहां पे, दिन के 2,500 3,000 रुपये मिल भी जाते थे मुझे। सो ये टिकटॉक है, टिकटॉक के अभी ये रिसेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि ये तो जून में मई में ही चेंज हो गए थे, ठीक है, उसी दरमियान। सो द फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ऑफ वाल्ट डिज्नी, अब ये ध्यान रखिएगा कि ये किसके एग्जीक्यूटिव पहले थे, तो वाल्ट डिज्नी के एग्जीक्यूटिव थे। ये भी आपके लिए ध्यान रखने बात है कि टिकटॉक के जो अभी रिसेंट जो हेड है वो आपको पहले कहाँ पर एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, टिकटॉक प्लेटफॉर्म इज ऑन बाय चाइना बेस्ड बाइट डांस टेक्नोलॉजी। हो सकता है कई लोग पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे कि ये टिकटॉक कंपनी कौन से टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको लाई गई हुई है इंडिया में भी, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। धर्मेंद्र, वो समय था और बिल्कुल बड़ा ही मजा आता था मुझे। एट द टाइम आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, और मैं उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, तो आपको पता ही क्लासेस वगैरह तो होती नहीं, तो वरना मैं मुंबई गया हुआ था, उसी टाइम की बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। विच स्टेट हैज ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स एमेड्स द ग्रेजुअल लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन हिंदी में रहेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने खेलों को एक उद्योग का दर्जा दे दिया है। जरा बताएंगे इसके बारे में दीपक, क्या रहेगा? क्या लग रहा है इसके क्या जवाब होंगे? देखिए स्पोर्ट्स पर है, अब यूपी गवर्नमेंट अभी इंडस्ट्री और इस तरह का तो है नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। विवेक तिवारी वेलकम ब्रो। अलावत भाई ने ये दिए है जवाब, आइए मैं इसके जवाब पे लेके चलता हूं। ये क्या हो सकता है? दिस इज मिजोरम, इसका जवाब है मिजोरम। देखिए आते हैं, द मिजोरम कैबिनेट हैज ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स एमिड द ग्रेजुअल लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन फॉलोइंग द स्पोर्ट्स पॉलिसी इन मेनी कंट्रीज, ठीक। दिस डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द स्टेट, ठीक। दिस वॉज अनाउंस बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर जोरम थांगा। द स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट हैड एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट टू ग्रांट द स्टेटस। आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बच्चे काफी फुटबॉल वगैरह बहुत बेहतरीन खेलते हैं, कई क्लब से जुड़े होते हैं। आप कोलकाता में ही जाएंगे, वहाँ क्रिकेट की जगह पर आपको फुटबॉल बहुत ज्यादा खेला जाता है, गोवा में फुटबॉल बहुत बढ़िया खेला जाता है। अपने देश में एक्चुअली ना उतने बढ़िया ग्राउंड है, ना सपोर्ट मिल पाता है, इसलिए फुटबॉल वगैरह आज उतना डेवलप नहीं। हम लोग कभी भी फीफा उफा में नहीं देखते अपने देश को, क्वालिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। बाकी आपके जवाब बिल्कुल सही थे, पूनम जी के जवाब भी और विवेक के जवाब भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद द इंडियन रेलवेज फॉर लॉजिस्टिक्स एंड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ लीची एंड मैंगो फ्रूट्स। अगर आप में से कोई भी जानता हो कि मैं किस स्टेट से हूं और मेरा होम टाउन कौन सा है, तो आप इसके जवाब दे सकते हैं। सुमन जी ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार ने, ये आपको भारत में कौन सा ऐसे राज्य सरकार है जिन्होंने भारतीय रेलवे के साथ में एक टाई अप किया कि डोर स्टेप डिलीवरी किया जाएगा लीची और मैंगो फ्रूट्स के लिए। मैंगो में भी हमारे होम टाउन में जर्दा आम चलता है, जरदोई जर्दा, जर्दा अगर कोई वहां का होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गर्दा गर्दा कर दिया, तो वहां पे जर्दा आम है, ठीक। विवेक ने जवाब दे दिया है, सचिन ने भी जवाब दिया है, अलावत भाई भी, सबको, अच्छा सबको मेरे बारे में पता है कि मैं कहाँ से हूँ। तो बेसिकली आप सब लोग बहुत सही गए हैं, ये है बिहार, वो भी उसमें मुजफ्फरपुर, आप सब लोग को जानकारी में है। शाही लीची, लीची के लिए फेमस है। इवन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था कि लीची का ओरिजिन कहाँ है। सोचिए कि दे हैव आस्क्ड वेरी कॉमन क्वेश्चंस, बट मैं इस पर मैं सब कुछ रट के गया था, पढ़ के गया था, पूरी डिटेल्स करके गया था, मगर थोड़ा सा ओरिजिन को लेकर डाउट हो गया। मैं पूरा उसका प्रोडक्शन, ये वो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब पढ़ के गया, बहुत बढ़िया।
ओरिजिन पूछा, ओरिजिन, और उसके बाद तो ऐसे ऐसे ओरिजिन पूछे कि मत पूछिए। अब उन्होंने बाद में मुझे गाइड भी किया कि डोंट यू थिंक द लीची, जहां लीची चीची किया समझ गया कि चीन है, फिर मैंने चीन बोल दिया। वो बोल तो दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने तो आलू पता नहीं टमाटर क्या क्या पूछ लिया मेरे से, तो अलग बात है, उसकी चर्चा कभी और होगी। तो शाही लीची, चाइनी लीची, चीन चाइना लीची भी हम लोग बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है, दोनों ही फेमस है। भागलपुर के जरदालू मैंगो भी आपको जानकारी में होगा, अगर कोई बच्चा वहाँ का होगा। ऑनलाइन बुकिंग लॉन्च कर दिया गया हुआ था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार के द्वारा, तो ये काफी बेहतरीन रहा था। और देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उत्कर्ष राज, बिल्कुल डेली क्लास ही चल रही है उत्कर्ष। एक्चुअली लास्ट 2 डेज मैं थोड़ा दिल्ली में था, इसलिए लेट नाइट आ पाया, तो मैं ना क्लास नहीं ले पाया, नहीं तो अदरवाइज मैं डेली क्लास लूंगा। अनुराग तिवारी, अपने लिए तो पूरा इंडिया ही घर है भाई, ठीक है। तो अभी मैं 4-5 साल से गाजियाबाद में शिफ्ट कर गया। अब मुखर्जी नगर में क्या होता था, पहले तो मुखर्जी नगर में ही था, वहाँ भी हमारा एक घर था, तो उसको छोड़कर मैं फिर गाजियाबाद में आ गया इधर, क्योंकि सुकून की लाइफ है यहाँ पे। कम से कम सोसाइटी है, स्विमिंग पूल है, हर चीज़ है घर के बगल में, और इतनी ग्रीनरी है, वो दिल्ली में नहीं था। दिल्ली में पॉल्यूशन पॉल्यूशन था ना, तो इस चक्कर में मुझे यहाँ आना पड़ गया। बिल्कुल अफजल ने ये पॉइंट बहुत बढ़िया बोला, जर्दालू आम को GI, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, GI का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ध्यान में आप सब लोगों को रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, विच इंडियन स्टेट हैज प्रोमलगेटेड एन ऑर्डिनेंस टू अलाउ इन्वेस्टर्स एंड फार्मर्स टू इंटर इंटू एग्रीमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप सब लोगों को मैंने अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हाँ, इन सब की आपको फार्मिंग वाले सेक्टर में मैंने सेक्शन में करवाया हुआ, तो आपको ध्यान में होगा कि कैसे ये फार्मिंग होता है और इसके संदर्भ में जो इन्वेस्टर्स है और फार्मर्स है किस हिसाब से आपस में एग्रीमेंट करते हैं, और उसका ऑर्डिनेंस एक लाया गया, कौन सा ये राज्य है, क्या ये केरला है, पंजाब है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ये आप बताएंगे। देखो धर्मेंद्र, मेन चीज है जिंदगी का मजा लेना है। देखो जितने भी दिन जीने का, जिंदगी जिंदा दिल लोग ही जी के जाते हैं, ठीक, ऐसा भी क्या कि बस यूं ही पड़े हैं, ऐसा नहीं होगा, जिंदगी को जी के जाइए, हंसते मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराती आंखों से देखिए तो दुनिया हसीन नजर आती है, वरना भींगी आंखों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है, तो इसलिए मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जी कर जाइए, ये एहसास हो आपको कि हमने जिंदगी जिया है। हर एक का एक लाइफ है, मेरा स्टूडेंट लाइफ था, मेरा एग्जामिनेशन टाइम का लाइफ था, नाउ आई एम अर्निंग, और ये मेरा लाइफ, आजकल कोरोना का लाइफ भी चल रहा है, ठीक। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अलावत बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जैसा कि मैंने बताया, आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, आप इवन नर्चरिंग यंग माइंड्स पर आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर मेरे अकाउंट पर जाकर आप, अमन अर्जुन सिन्हा के नाम से मेरा अकाउंट है, वहां पर आप आ सकते हैं, मेरा पेज है अमन अर्जुन सिन्हा नर्चरिंग यंग माइंड्स, तो आप सर्च करेंगे आपको बिल्कुल मिल जाएगा आंसर। इसके जवाब आप सब लोगों ने दिया है। अनुराग ने लिखा कि अगर रेलवे के एग्जाम 2020 लास्ट में अगर होता है, तो रेलवे के एग्जाम में देखो थोड़ा सा करंट पर आपको 1 साल का टाइम देना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सचिन, बेहतरीन आपके जवाब है धर्मेंद्र, बिल्कुल आइए नेक्स्ट, हम लोग मूव कर रहे हैं। आंसर आप सब लोगों के लिए ओडिशा, बिल्कुल ओडिशा, इसका मैं अभी शायद चर्चा कर ही रहा था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर बनाया गया हुआ है, सो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पारित कर दिया वहां पे, टू फैसिलिटेट द फार्मर्स एंड स्पॉन्सर टू डेवलप एन एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान, जो बड़े किसान होते हैं, उनके साथ में उद्योगपति जो होते हैं, वो एक लीगल टर्म पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कुछ वर्षों के लिए, एक टेनर के लिए उनको कि उनके मनपसंद चीजों का प्रोडक्शन करना होता है, व्हाट एवर दे वी वांट, ठीक है। हाँ तो टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर देना, मैं यू कैन गेट माई नंबर ऑल्सो ब्रो अलावत, ओके। सो अभिषेक जी के जवाब बिल्कुल सही थे। देखो अनुराग, अगर आप SSC देना चाहोगे तो 6 महीने का भी करंट काफी हो जाता है,
रेलवे के लिए मैंने 1 साल इसलिए बोला है क्योंकि रेलवे का एग्जाम क्या होता है, थोड़ा सा डिले होता है। आज की रेलवे की नहीं, 20 साल की रेलवे की स्थिति चल रही है, तो वहां पे हमेशा ऐसा ही रहता है। तो इसलिए रेलवे में कम से कम 1 साल तो आपको लेकर चलना है। बिहार पीसीएस देंगे 1 साल से 1.5 साल, 2 साल भी पूछ लेता है बिहार पीसीएस। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, यूपीएससी 6 महीने, 6 से 8 महीने बहुत हो गया, उससे ज्यादा पीछे वो यूपीएससी नहीं जाती, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस सब होते रहते हैं ना उसके। ठीक है, बस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। क्वेश्चन है, विच रियल टाइम फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर दैट यूजेस आधार नंबर बेस्ड ई नो योर कस्टमर, होता है केवाईसी, वो दिया हुआ है। सो डीमैट अकाउंट खोलने में, परमानेंट अकाउंट नंबर में, इंस्टेंट पासपोर्ट में, उद्योग आधार में, जो गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर जो अपनी है, वित्त मंत्रालय जो है, उन्होंने आधार नंबर बेस्ड ई केवाईसी किया ताकि बहुत ही जल्द 10 मिनट में आपका ओपन करके दे दिया जाए, कौन सा ऐसा अकाउंट? हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र सही गए, यही आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही, सूटकेस फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। विवेक ने जवाब दिया है बी, इंस्टेंट परमानेंट अकाउंट नंबर, वेरी नाइस विवेक। विवेक गुप्ता जी के जवाब बिल्कुल जबरदस्त आए हैं। सूरज थोड़ा सा गड़बड़ा गए, सूरज के जवाब डी आ गए हैं। विवेक पैन कार्ड, सचिन ने भी जवाब बिल्कुल पैन कार्ड दिया है, तो बहुत बढ़िया। गौरव आपके जवाब थोड़े गलत हो गए, इंस्टेंट उद्योग आधार। आइए इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज ऑफिशियली लॉन्च द इंस्टेंट परमानेंट अकाउंट नंबर फैसिलिटी विच यूजेस आधार नंबर बेस्ड ई केवाईसी। सो ये ई फिलिंग वेबसाइट जो हम लोग देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो वो तो फरवरी 2020 से ही वेबसाइट पर ये सब चीजें आनी शुरू हो गई थी, और दिस वॉज अनाउंस ड्यूरिंग द 2020 बजट अलॉन्ग विद एन इंटरचेंजेबल आधार एंड पैन फीचर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये फैसिलिटी कैसे होगा, जैसे मैंने बताया 10 मिनट में आपकी ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। पेपरलेस का जमाना है आज, आप देखिए ना, आप ज्यादातर नोट्स आप पीडीएफ से अवेलेबल करवा लेते हैं, मेरे से पीडीएफ मिल गया उससे रट गया, रट जाना है। लेकिन हाँ, जिस दिन भी आप मेंस पे जाएंगे, मेंस में मैं बिल्कुल पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता हूँ, चाहे वो पीसीएस का मेंस हो चाहे वो यूपीएससी का मेंस हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमृत राज ने लिखा है कुछ दिन पहले फ्री में पैन कार्ड बनवा लिया है। अच्छा, पैन कार्ड ने भाई तो 200-250 रुपये लग जाते हैं, कुछ तो चार्ज दिया ही होगा, ऐसे थोड़ी ना बन गए होंगे। ठीक, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ध्यान रखिए, मैंने पहले भी व्हाट्सएप वाला बात बोला था, और ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बैंकिंग, आपके एनटीपीसी, रेलवे सब में इम्पोर्टेंट है, स्टेट पीसीएस, इवन यूपीएससी से लेकर हर जगह पे। विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज रिसेंटली रोल्ड आउट बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप अमेडस्ट द नेशनल वाइड लॉकडाउन? बताएंगे इसका जवाब अफजल मेलोडी, बिल्कुल बहुत ही तेजी से सबसे पहले जवाब देने वाले बने हैं। अच्छा, ई पैन कार्ड बनवाए थे अमृत, बिल्कुल सही। अलावत भाई के जवाब भी बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो सब लोगों की ये जानकारी में लगता है कि सब लोग आईसीआईसी बैंक यूज भी करते हैं एज ऑफ मई, जैसा कि मैं भी करता हूँ। सूरज वर्मा डी, ये पहले वाला का आंसर सर ने बताया है, आईसीआईसीआई। सूरज बिल्कुल, राज आईसीआईसीआई, बहुत सही जवाब दिया है बच्चों ने। इंडियाज लीडिंग प्राइवेट लेंडर आईसीआईसी बैंक रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप अमिड द नेशन। ये जो लॉकडाउन में व्हाट्सएप पे भी आप अपने बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस है, लास्ट ट्रांजेक्शन कितने हुए, क्रेडिट कार्ड लिमिट, ब्लॉकिंग, अनब्लॉकिंग, ये सब चीजें अवेलेबल करवाई गई थी आईसीआईसी बैंक के द्वारा। बहुत ही बढ़िया जवाब आप सबने दिया है। सर, मैं आप लेक्चर को लेकर नोट, बिल्कुल बहुत बढ़िया है गौरव की, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आपके हैंडराइटिंग में अगर नोट्स होंगे तो आप ज्यादा बेहतर उसको याद करके रख सकते हैं, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हांगकांग, लियान लियान एंड चेन चेन आर द मैस्कोट्स ऑफ विच इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट? मैस्कोट वाले से फीफा का हो, वर्ल्ड कप का हो, मैस्कोट से क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आखिर इनमें से ये जो कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान एंड चेन चेन जो है, ये
थोड़ा नाम पे भी पकड़िएगा, नाम पे पकड़िएगा कि आखिर ये कौन सा गेम का हो सकता है, नाम पे पकड़िएगा, मैं क्लू दे रहा हूं। बिल्कुल अफजल, सही गए हो आप। अभिषेक बंटी भाई ने जवाब दिया है डी, क्या लग रहा है? अलावा जी का कहना है कि वर्ल्ड जी के वीक है, तो अभी आप थोड़ा सा मुझे समय दे, मैं आप लोगों का एस्टेटिक जी के भी कराऊंगा किस दिन, आपको पूरा का पूरा, मैंने एस्टेटिक जी के में क्वेश्चन से नहीं, पूरा मैटर के साथ करवाऊंगा, फुल आप लोगों के साथ जुड़ाव होगा, 1 घंटे 2 घंटे डेली बेसिस पर मैं पूरा स्टैटिक जीके ही करवा दूंगा, किसी ने ऑर्गेनाइजेशन, किसी ने आर्ट कल्चर डांस जितने भी होते हैं सब पूरा स्टैटिक जीके करा दो, कम से कम आप देखेंगे स्टैटिक जीके के कम से कम 25 से 30 सेक्शन के साथ मैं आपको कराऊंगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, आजकल मैं भी फ्री हूँ तो ये भी काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो आजकल बीच में जब बिजी रहता था तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी पढ़ाता था, आजकल तो जो बोलोगे वो पढ़ा दूंगा, किसी को हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ना हो वो भी पढ़ा दूंगा, हर बोलो जो पढ़ने का मन करे मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैटर बोलिए कौन से कंसेप्ट कौन से टॉपिक पर आपको चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू और मैं उस पर एक लेक्चर दूंगा आपको, ठीक? बिल्कुल धर्मेंद्र, सही बोले आप। गुड इवनिंग ब्रो ब्राइट। विवेक ने दिया है विंटर ओलंपिक्स, थोड़ा नेम चाइनीज है, अफजल मेलोडिक बहुत सही, और धर्मेंद्र ने पकड़ लिया इसका जवाब, एशियन गेम सही है, और इधर से गौरव कुमार सूरज वर्मा दोनों के जवाब बिल्कुल सही है, एशियन गेम्स है, चाइनीज नेम के साथ थोड़ा बहुत पकड़ लेना था मैस्कोट वगैरह का, ठीक है। द ऑफिशियल मैस्कोट्स ऑफ द 2022 एशियन गेम्स वे रिलीज एट अ डिजिटल लॉन्च सेरेमनी इन चाइना, कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान चेन चेन आर नेम्ड एज द मैस्कोट्स ऑफ द 19th एशियन गेम। जैसे क्वेश्चन एक और क्या बने, जनरल अगर मैं बड़ा इजी कर दूं इसको, 19th एशियन गेम्स विल बी गोइंग टू हेल्ड इन विच प्लेस, एंड दैट वुड बी द हंगझाओ चाइना, ऐसा कर सकते हैं। थ्री रोबोट्स निकनेम्ड एज स्मार्ट ट्रिपलेट्स, अब देखिए स्मार्ट ट्रिपलेट्स इनमें से क्या है, ये रोबोट्स के नाम है, यहां तक आपको क्वेश्चन घुस के पूछा जाएगा, तो इसलिए आपके एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वन लाइनर क्वेश्चन पे नहीं जाना है, पढ़ने के स्टाइल चेंज कर दीजिए, समय बदल गया है, वन लाइनर रटने से आज के डेट में आपको सबको पता है कि लोसेंट से एग्जाम नहीं निकलेगा, वन लाइनर पे ठीक है कई लोग पढ़ा रहे ठीक बड़ा अच्छा वो भी करें, वही तो पढ़ना जरूरी है, उससे वो पढ़ लीजिए, मेरे से ये पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो चीजों को पकड़िए कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, सिर्फ एक जानकारी उचित नहीं है, उस जानकारी के परिप्रेक्ष्य में दो चार चीजें छुपी हुई है, उस छुपी हुई जानकारी को जानिए, जैसे कि मेरी कोशिश होती है कि आपके अंदर कोई छुपी हुई प्रतिभा है तो उसे भी बाहर निकाला जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स 34th एनुअल वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट वाज नेम्ड द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, होप सो ये सबको पता हो, ये बहुत ही, मैंने बोला कि हर तीन चार बेहतरीन क्वेश्चन के बाद एक इजी क्वेश्चन मैंने पोस्ट किए हैं, मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग होगा बाकी सब जगहों की अपेक्षाकृत। प्रेसिडेंट इलेक्शन टॉपिक सूरज वर्मा ने लिखा है, और मैं इसे एक आप अगर देखे तो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है, सूरज प्रेसिडेंट इलेक्शन पे मैं बना दूंगा, और बोलो। अरे गौरव भाई, पॉलिटी के हमारे से वेटरन टीचर अपने एसएल सर है, जनरली मैं पहले पॉलिटी हिस्ट्री सब पढ़ाता था, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट थे जो बाकी टीचर से पढ़ते ही नहीं थे, मेरे कोचिंग में आते थे बाद में बोले कि नहीं सर मुझे तो आप ही से पढ़ना, मैं उनसे इकोनॉमी नहीं पढ़ूंगा तो मैं उनसे हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, कई बार ऐसा हो जाता था, ठीक है। मेरा मानना है कि डेप्थ में जाना होगा, ठीक है, सतही नॉलेज के बाद आपसे थोड़ा सा उम्मीद होती है कि आप डेप्थ में जाइए, ठीक है। फाउंडर ऑफ अमेजॉन जेफ बेजोस, सचिन और अफजल अहलावत पूनम जी ठाकरे अमृत सबके जवाब बेहतरीन गए हैं, जेफ बेजोस बहुत बढ़िया। फॉर्ब्स रिलीज इट 34th एनुअल वर्ल्ड बिलियनेयर्स लिस्ट, अमेजॉन के फाउंडर, आप में से क्या लगता है कि अमेजॉन जो है क्या ये सिर्फ अमेजोन एक एक एप्लीकेशन के थ्रू जो आपको आइटम्स अवेलेबल करवा रही यही है? नहीं, अमेजोन जो आप आजकल आप उस पर स्ट्रीमिंग देखते हैं वाचिंग अमेजोन प्राइम से, और
अभी जैसे आप अगर देखें, जो इससे पहले जो मैं जैसे कोचिंग में पढ़ा रहा था, जैसे इवन आप सब लोग जान ही रहे, तो इवन आप अगर देखें एग्जामिंगल का प्लेटफॉर्म भी जैसे चल रहा है, तो अमेजन उसमें AWS होता है, ठीक। क्लाउड सर्वर जो होते हैं अमेजन वालों का, आज के डेट में ये अमेजन प्राइम और उनके ये जो जो सेलिंग वाले आइटम्स हैं उनसे नहीं कमाई हो रही, उनको क्लाउड सर्वर से ज़्यादा कमाई हो रही। ये उनके सबसे ज़्यादा, आप देखिए आप सब कुछ, कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो, सबके सबको क्लाउड सर्वर चाहिए, अमेजन क्लाउड सर्वर आपको, AWS का सिस्टम उनका अपना है, ठीक है। सौरभ राज बिल्कुल, ये दोनों ही चैनल पे अवेलेबल है मेरी क्लास, एग्जाम इंगल के प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा है और साथ साथ मेरे नर्चिंग यंग माइंड से भी चल रहा है। टोटल कंबाइंड नेटवर्क ऑफ द बिलियनर्स ऑफ द दिस ईयर, वो अलग से होंगे, बिल गेट्स भी है। बिल गेट्स कितने नंबर पे आ गए भाई? ठीक, सेकेंड पर। पहले ये एक नंबर पे होते थे अमेजोन वाला, अब सोचिए क्या ये हमेशा के लिए एक नंबर पे होंगे? कोई ना कोई इनको ही बीट करेगा, हो सकता है जुकरबर्ग कर ले, आजकल हर जगह हाथ आजमाए जा रहे हैं वो भी। विश टेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, आप जब सही बोले हैं। अच्छा, धर्मेंद्र जी का कहना है कि एक ही टीचर अगर दो तीन सब्जेक्ट पढ़ाए तो इंटरलिंक ज्यादा होता है। वो ठीक है धर्मेंद्र, बट द स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द स्टडी, ठीक है। आप, मैं अच्छा हूँ, मैं मानता हूँ मैंने GS में स्कोर किया, ज्योग्राफी में भी स्कोर किया, बट कई जगहों पे आप अगर हम देखें स्पेशल, क्योंकि आपको भी तो कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे कि आप क्वालिटी अलग टीचर्स पढ़ रहे हो तो एक मौका मिलता है, नहीं मेरे से पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा ना सबके सब, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। 2021 में एज ए फैकल्टी, अच्छा ओके, बिल्कुल सौरभ जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मौका मिलेगा आपको डेफिनेटली। अभी हमारा एक स्टूडेंट, क्या नाम है भाई, कुंतल, हाँ भरत, भरत कुंतल, तो अभी अनअकैडमी ज्वाइन किया उसने, और मतलब कई सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, मेरे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स सब अनअकैडमी में दिखते हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं दिखता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत बढ़िया है, आप सब लोगों को मौका मिलेगा, कभी आपको मौका मिले आप हमारे साथ भी मेहनत कीजिए और हमारे साथ आइए, एक प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ पढ़ाने का भी मौका आपको मिलेगा। टैलेंट होना चाहिए, पैसन होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसन है। आई हैव चूज अ टीचिंग एज अ कैरियर, बट इट इज माई पैसन, दैट्स वाई आई एम वर्किंग बेटर। मैं जो भी करूंगा इस फील्ड में दिल से करूंगा, क्योंकि इट इज माई पैसन। जब आप अपने कैरियर को अपने पैसन बना लेते हैं, तो उससे बेहतर आपके जीने का स्टाइल कुछ और बेहतर नहीं हो सकता। आइए 23rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपने कई जगह पढ़ा भी होगा। आप चलिए क्वेश्चन देखते हैं जरा, कि विच टेक्नोलॉजिकल कंपनी हैज लॉन्च्ड अ ब्रेल कीबोर्ड, ये आप सबने पढ़ा होगा, न्यूज में आया, द हिंदू से लेकर हर जगह था, ब्रेल कीबोर्ड कॉल्ड टॉक बैक फॉर असिस्टिंग द विजुअली चैलेंज्ड यूजर्स। ठीक है, बिल गेट्स बहुत ज्यादा दान करते हैं, अमृत ने लिखा है भाई, दान तो हमारे देश में टाटा के जो अपने टाटा जी है, आप उनको भी जान ही रहे हैं कितना दान किया उन्होंने, गूगल, बहुत बढ़िया जवाब अफजल, विवेक अहलावत भाई, इधर से सूरज वर्मा, सौरभ, बेहतरीन, गूगल है इसका जवाब, बहुत अच्छा आप सबने जवाब दिया है। गूगल हैज रिसेंटली अनाउंस दैट इट हैज लॉन्च्ड अ ब्रेल कीवर्ड नेम टॉक बैक फॉर असिस्टिंग द विजुअली चैलेंज्ड यूजर्स, ठीक है। एंड्रॉइड सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लाया गया हुआ था। द कीबोर्ड यूजेज अ सिक्स की लेआउट वेयर इन ईच की रिप्रेजेंट्स वन अमंग द सिक्स ब्रेल डॉट्स, सो बहुत बढ़िया, गूगल भाई ने ये काम किया है, गूगल बाबा तो ऐसे ही पता है, बेहतरीन काम करते हैं। और जैसे मैं कल SDM बैच के इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी वाले प्रमोशन में था, एक इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी का हमने बैच भी मॉड्यूल भी लाया है, उसके बारे में जानकारी अगर चाहिए होगी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे FB वॉल पे जा सकते हैं। तो वहाँ भी मैं यही चीज़ बोला कि यू हैव टू बी रेगुलर अपडेटेड योर नोट्स थ्रू द गूगल, मैंने ये मेंशन किया था गूगल के साथ मेंशन, जैसे सचिन उस दिन नेशनल पार्क नया बना, सचिन का उसी दिन मैसेज आ गया कि सर ये, अब मैं एक्चुअली उस टाइम में मैं बिजी हूँ, लेकिन इस बच्चा फ्री है,
सो ये बेस्ट थिंग अबाउट यू सचिन कि आप इतने अपडेटेड हैं, बहुत अच्छी बात है। और सब लोग ऐसे ही अपडेटेड रहना है, और एक ग्रुप बनाइए, एक बेहतर ग्रुप बनाइए। मैं चाहता हूँ, कई बच्चे मुझे अलग अलग से मेंस के क्वेश्चन लिखकर भेजते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लिखो, सब एक दूसरे के क्वेश्चंस को चेक करो, देखो कि कोई कैसे लिख रहा है। मैं रिमार्क्स तो कर ही रहा हूँ ना, मैं हर एक क्वेश्चन का रिमार्क्स करता हूँ, भले 2 दिन बाद भी करो, किस कई कई बार ऐसा हो जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं करता जरूर ढूंढ ढांड के, ठीक है? तो वो चीजें ध्यान रखते हैं, ठीक है? आइए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। विच न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसीज, ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है, विच न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसीज इन अरुणाचल प्रदेश हैज बीन नेम्ड आफ्टर सालाजार, अ फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज। अरुणाचल प्रदेश में इनमें से कौन सी एक अभी नई प्रजाति का डिस्कवर किया गया है, खोज किया गया है? क्या वो स्पाइडर है, वाइपर है, टर्टल है, ग्रास हॉपर है, जिनको कि हैरी पॉटर सीरीज में जो फिक्शनल कैरेक्टर है सालाजार, वो नाम दिया गया हुआ है, मेल है ये। ध्यान देंगे क्या है इसका आंसर। और थोड़ा बहुत एक काम आप लोगों को ये भी करना है कि थोड़ा मेरे चैनल को प्रमोट भी करना है, कि शेयर जरूर किया कीजिए, इतने अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। कम से कम आपको 5 जगह शेयर करना तो बनता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप इन्हें जानकारी ले सके। बहुत जल्द मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी नेट जेआरएफ के पोर्शंस पे भी वर्क करने वाला हूँ, और वो भी आपको अवेलेबल होगा। और साथ साथ उसके अलावा मेरे चैनल पे सारा चीज आपको ऐसे ही मैं मिलता रहूंगा, जो टॉपिक जैसे सूरज ने बोला टॉपिक इलेक्शन, मैं वो करवाऊंगा सूरज आपके लिए, और वो नीचे लिखा रहेगा सूरज के लिए, ठीक है? ग्रास सुपर लग रहा है सौरभ भाई को, संजय भाई को अपने, ओके थैंक्स ब्रो, ब्राइट वे कोचिंग, और शेयर कर दिया ग्रास ऊपर लगा है, धर्मेंद्र ठाकरे को भी, सबने तुक्का मार दिया है। पहले चीज बताओ, ये पढ़ा ही नहीं होगा, ये मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन घुसेड़ दिया है यहाँ पे, लेकिन अच्छा है ये चीजें जानकारी। मैं आपको अभी तो ये जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बहुत जल्द ऐसा भी होगा कि उस दिन पूरा हो सकता है कि मैं ज्योग्राफिकल करंट क्वेश्चन कराऊं, एनवायरमेंटल करंट क्वेश्चन कराऊं, पॉलिटिकल करंट क्वेश्चन कराऊं, स्पोर्ट्स पे कराऊं, ऐसा भी होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस पे कराऊं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मैं कराऊंगा। ये ग्रास ऊपर नहीं है, इट्स अ वाइपर, ये वाइपर है, अ टीम ऑफ इंडियन हर्पेटोलॉजिस्ट। ये ध्यान रखिएगा, हर्पेटोलॉजिस्ट वर्ड भी ध्यान रखना है आपको। स्टडी अबाउट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू स्पेसीज ऑफ वाइपर फैमिली, द ग्रीन पिट वाइपर। ध्यान रखिएगा, द ग्रीन पिट वाइपर विच वॉज फाउंड एट द पैकेट टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश हैज बीन नेम्ड आफ्टर सालाजार स्लाइथरिन, अ फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज एज ट्रिमेसरस सालाजार। वहां पे उन लोग के नाम ही ऐसे होते हैं। अब जैसे मेरा जो फेवरेट एक बॉडी बिल्डर है आर्नोल्ड स्वार्जनेगर, उसकी स्पेलिंग करना स्वार्जनेगर इतना टफ हो जाता था, जब मैं आप लोग के एज और उससे पहले की बात बताऊं, फिर मैंने सीखा कि हाँ स्वार्जनेगर लिखते कैसे, दैट वॉज माई रोल मॉडल। मैं अब मेरे रूम में किसी की फोटो होना और आर्नोल्ड की फोटो जरूर होती थी पहले, ओके? तो नेहरू की तो कभी, मैंने तो ऑफिस, अगर मैं आपको कसम से बोलूं कि अगर मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में भी होता तो मेरे ऑफिस में नेहरू की फोटो तो मैं जरूर नहीं देता, चाहे जो हो जाए, ठीक है? अल्ताफ हुसैन भाई लेट हो गए, कोई बात नहीं है भाई, लेट का क्या है, पीडीएफ लेकर आपको रीड करना है, इस वीडियो को आप बाद में वॉच कर सकते हैं, बहुत ही मेरी कोशिश है बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आऊँ। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पे मैं नहीं जाता, मेरे पढ़ाने और पढ़ने का स्टाइल ही अलग था, जब मैं पढ़ता था तब भी मेरे स्टाइल अलग थे, आज पढ़ाने का स्टाइल भी अलग है, तो ये चीज है, और ये है आंसर इसका, वाइपर ध्यान में रखिएगा, ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे हम लोग आप देख रहे हैं, इसके बाद फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। जैसा कि मैंने बताया, बहुत जल्द मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी ज्योग्राफी के अलग से क्वेश्चंस भी लेकर आप लोगों के साथ में आने वाला हूँ, ठीक है? थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, बाकी चीजें आप लोगों के साथ मुलाकात होते रहेगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आईटी फर्म ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स नेम कोरोना वॉरियर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देखिएगा, मैं आपको अगले, जब भी एग्जाम का सिनेरियो सेट होना शुरू होगा, एग्जाम्स होंगे,
मैं अपने इन कैप्सूल्स कोर्सेज में से कई ऐसे क्वेश्चंस आपको हाईलाइट करके अपने एफबी पर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम सब जगह पोस्ट करके दिखाऊंगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। वेट एंड वॉच। नितिन बहुत लेट से ज्वाइन किया भाई। राहुल ने लिखा मैपिंग वाली, मैपिंग वाली कल क्लास होगी भाई। बिल्कुल राहुल, डेफिनेटली ठीक है। और इवन जो आप एसडीएम बैच से हैं, तो आपके एसडीएम बैच में बहुत जल्द, जब एक बार मैं हिमालय से पहले तक का टॉपिक कंप्लीट कर दूं, तो फिर बोर्ड वर्क के साथ 3-4-5 घंटे आप लोगों के साथ क्लास में अवेलेबल हो जाऊंगा। ठीक है राहुल। नरेश विजलवान भाई, वेरी गुड वेरी गुड। सो जवाब दिया टीसीएस विवेक गुप्ता ने। वेरी नाइस विवेक, सौरभ वेरी नाइस। टीसीएस सौरभ ने जवाब दिया है एग्जामिनल के प्लेटफॉर्म से, बहुत बढ़िया। अच्छा मिलना भी होता है। अरे हाँ ये बात तो है। मैं तो कई बार मतलब क्या बताऊं, मतलब मैंने ये जिंदगी चुनी ही आप ही लोग के लिए, तो मैं एंजॉय करता हूँ। मुझे देखे हो कभी भी कि मैं क्लास में कभी भी टेंस हूँ, या फिर मैं चुपचाप बैठा हूँ, कुछ ऐसा किसी बच्चे में गुस्सा आया हूँ, मुझे कभी किसी बच्चे में गुस्सा आता नहीं। गलतियां करते हैं ठीक है, उसको सुधार करता हूँ ठीक है, बट गुस्सा उस्सा मुझे आता नहीं। मैंने गुस्से में बहुत सारी जिंदगी अपनी खो दी है, तो अब मैं गुस्सा नहीं करता, बिल्कुल मुझे गुस्सा आता ही नहीं अब तो। इसके जवाब बिल्कुल, आप सब लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिए है, और सौरभ के जवाब सही थे, विवेक राहुल सबके जवाब सही थे। देखिए आंसर इसके है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। यहाँ भी टाटा भाई अपने हैं, ध्यान रखिएगा। रतन टाटा जो आप नाम जान रहे हैं, काफी बेहतरीन उन्होंने वर्क किया है। पीएम केयर्स फंड में सबसे ज्यादा पैसे उन्होंने दिए। और इवन ऑफ द टॉप आईटी फॉर्म टीसीएस इज टीसीएस आयन हैज लॉन्च्ड अ फ्री ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स नेम कोरोना वॉरियर्स। उन्होंने ये नाम दिया था बेसिकली, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ओके तो इस तरह से आज हमने 25 क्वेश्चन का राहुल शर्मा, मैं जो अपना एप्लीकेशन अभी लॉन्च कर रहा हूँ, तो मान के चलो मैं उस पर नेट जेआरएफ लाऊंगा, ज्योग्राफी ऑप्शन लाऊंगा, सो दैट विल बी टोटली होल एंड सोल रेस्पॉन्सिबल मैं ही होऊंगा वहाँ। अब मान के चलो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर हूँ, या फिर कोई और भी मेरे साथ पार्टनर है, तो मुझे सबको सुनना पड़ता है ना भाई। तो उसमें क्या होता है कि मैं चाहता भी हूँ किसी को अगर कुछ क्लास अलाउ करना, मैं कई बार नहीं कर पाता हूँ, बट इस प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मेरे हाथ में होगी। अगर आप मुझे बोलेंगे मुझे ऐसा लगता है, तो आपको पता है कि मैं थोड़ा सा अलग हूँ। मैं ना यहाँ पे, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मैंने पैसे उसे बहुत देखे, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। आज नहीं भी देख रहा हूँ तब भी टेंशन नहीं है, बहुत ही ईजी लाइफ जी रहा हूँ मैं। सो ये सब चीज़ मेरे लिए है नहीं, बस एक रिलेशंस है, एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है, कि आपके लिए मैं अगर 1% भी कुछ कर पाया, तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी, और इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी की बात होती ही नहीं। सो आप सब जुड़े रहिए, और ध्यान रखिएगा नेक्स्ट में एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नर्चरिंग यंग माइंड्स को, साथ साथ एग्जाम ईगल के चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे क्लासेस अवेलेबल है, यूपीएससी के बैच भी अवेलेबल है। कल से वो फीस बढ़ रहा है, 2020 हो जाएगा, जो 1499 फी था। ओके तो जो भी बच्चे लेना चाहे, आप उनको मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं। ओके और बिल्कुल ये अहलावत भाई, ये जो हमारे जो आप क्लासेस देख रहे हैं, यही नर्चरिंग यंग माइंड्स ही तो है और क्या। आई एम यूजिंग इट फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स। ये नर्चरिंग यंग माइंड्स जो आप टैगलाइन देखते हैं मेरे सारे स्लाइड्स पे, या फिर आप देखते हैं मेरे नोट्स पे, कभी भी आपने जब भी मेरे नोट, मेरे नाम नहीं, मेरे नर्चरिंग यंग माइंड्स होते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह यही है। कई बार लोग मुझे @नर्चरिंग यंग माइंड्स करके रिप्लाई करते हैं, क्योंकि यही मैं यूज करता हूँ। और मेरा मानना है कि मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक बेहतर इंसान बनाने के लिए इस फील्ड में आया, कि बच्चे जो मेरे साथ जुड़े एक बेहतर पर्सनालिटी बने। एज ऑफ यू आर सीइंग इन द स्क्रीन कि टीचर शुड बी द बेस्ट मैन इन पर्सनालिटी ऑफ द कंट्री, एंड सो एफ माई स्टूडेंट्स ऑल्सो। आप सब भी एक बेस्ट माइंड एंड बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ इस कंट्री के बनेंगे, इस देश के बनेंगे, क्योंकि आज इस देश का स्वर्णिम भविष्य के सपना साकार करने के पीछे अगर कोई हो सकता है, तो वो सिर्फ आप है। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल सचिन, सही बोला आपने, दहेंग पटकाई, बिल्कुल सही।
और जीवन में कुछ नहीं रखा भाई, सब माया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, और आप लोगों से कल मैं हो सकता है एक नहीं दो नहीं, हो सकता है मैं 3 बार आप लोगों के साथ मिलने आऊं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ प्लेटफॉर्म पर, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।